हेलो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज 29 सितंबर है और 5 दिन बाद एग्जैक्टली अब इसके दिहाड़े यानी कि दिन यानी कि डेट फिक्स होने यानी कि निकाह टाइप हो जाने काम। तो उससे पहले आपके लिए ये वीडियो बना रही है क्योंकि बाद में इसका सामान जो है वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको वो पुराने जो भी पिछले जुलाई अगस्त और सितंबर में जो जो कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है शॉपिंग का वो थोड़े बहुत आपको क्लिप्स हम दिखाएंगे इस पूरे व्लॉग में। हो सकता है 2-3 पार्ट्स का हो और जो जो कुछ भी उन क्लिप्स में हमने खरीदा हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे साथ पूरा पीछे आगे टाइम बाय लंडा लग गया। तो अभी एक एक करके आपको ये दिखाती है कि इसने क्या क्या लिया हुआ। सबसे पहले ये कपड़ों से शुरू करने लगी है तो लेट्स स्टार्ट। ये हैं जी कपड़े जो इसने दिखाने थे। ये इसके कुछ सर्दियों के कपड़े हैं, उसके अलावा फिर ये उसके कुछ कैजुअल ड्रेस हैं, उसके अलावा ये क्या है इनको क्या बोलना है काम वाले क्या फॉर्मल्स एंड पार्टी वियर्स, ये सारे इसके कपड़े हैं। और इसमें से आप किसी का कुछ बताना चाह रही हैं तो बता दें। अब एक इसका ये मुझे बता रही थी जी ये इसकी नानी ने दी हुई है शॉल, बहुत क्या है तुम्हारे लिए मेमोरेबल है। बाकी ये 1-2-3 इसको मामा ने बना के दिए हैं। ये बाजार से इसने खरीदे हैं जो आपने क्लिप्स देखे ही होंगे। ये वाला भी बहुत मेमोरेबल है, ये मामा ने मुझे दिया था, ये मुझे बहुत पसंद आया, पहन भी चुकी लेकिन फिर भी मैं लेके जा। और इसमें ये सारे बस काम वाले जो ड्रेस है ये मेरे हाथ से वो है। हाँ, पता है मुझे ये क्या ये इसका मैंने एक एक चीज अपने हाथ से किया, कढ़ाई गोटा सारा कुछ, लेकिन अभी मैं खोल के नहीं दिखा सकती, दिखा दूं? अच्छा जी ये फिर अब इसका दिल कर गया आपको खोल के दिखा दे बताएं जी। ये तो बताए ये जनाब हम मेरी कजन चाचू की बेटी की शादी थी तब हमने एक डिसाइड किया था कि बनाएंगे सेम ड्रेसेस 4-5 लड़कियों ने। तो ये जैसा बनाना था वैसा तो नहीं बना लेकिन जैसा बन गया वो भी मुझे अच्छा ही लगा था। इसकी एक एक चीज मैंने खुद अपने हाथों से की है, ये सारा मैंने खुद रेडी किया था तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मेमोरेबल है। और बेशक मैं इसको ज्यादा पहनूंगी नहीं लेकिन ये मेरे साथ सारी जिंदगी रहेगा। ये थे जी इसके सारे ड्रेसेस और इसके अलावा ये कुछ और भी दिखाना चाह रही है। क्या है ये? ये बहुत सारे स्कॉलर अभी हर कलर के नहीं है लेकिन कुछ ही दिनों में पास हर कलर के हो जाएंगे। तो अब ये पैक करने लगी है इनको केस के अंदर और इसके बाद फिर आपको डाल के दिखाते हैं कुछ देर बाद। A few moments later जो अभी आपने कपड़े देखे थे वो अब इसने कर दिए हैं पैक। एक ये और ये तीन हमारे अब डन हो गए। अब आगे क्या करना है वो बता दें। हाँ जी तो अब ये ट्रंक जो है इसने खोला, इसमें कुछ इसके बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं और अब इसको हम ये डब्बे में जितने आएंगे वो कन्वर्ट करने लगे हैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें से निकाल के। तो फिर इसके बाद आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी ये ट्रंक अब खाली कर दिया है, ये सारा ट्रंक खाली है। अब पेटी में से कुछ चीज़ें निकाली हैं, ये बर्तन शर्तन इसके जो भी तारे इस डब्बे में रख दिए हैं पैक करके। तो अभी ये बाहर जो पड़ी हुई है इसके लिए एक और डब्बा ये साफ करेगी तो फिर वो दूसरी आएंगी। तो अब वो भी करके आपको दिखाते हैं। हाँ जी तो अभी ये हमने आज काम किया है, बैग तीनों पैक किए हैं और टच केस वगैरह। उसके बाद पेटी में से काफ़ी सारी चीज़ें निकाली हैं और ये मेहंदी का सामान इसने अलहदा कर दिया जो इसको भी डेकोरेशन चाहिए। उसके बाद ये सारा हमने गंद अलहदा किया है और ये ट्रंक जो है ये पूरा खाली है। और ये पीछे आपको डब्बे नज़र दो आ रहे होंगे इसमें, और इसमें हमने चीज़ें फाइनल पैक करके रख दी हैं। ये ऊपर अभी खाली है डब्बा, इसमें कुछ चीज़ें अभी रखनी हैं वो पेटी में ही हैं और इस साइड पे हमें जो चाहिए ज़रूरत की चीज़ें हैं वो डब्बे उधर पड़े हुए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है, बाकी का अब हम बाद में करेंगे। इस ट्रंक में कुछ रखेंगे और इसको अब सेट करेंगे तो उसको सोचते हैं अब क्या करना है आगे। The next day हाँ जी तो फिर बाज़ार से कुछ लेना था मटका टाइप, तो भूख लग गई रास्ते में, फिर अब ये बोतलें भी नहीं और इसने दो अलग-अलग फ्रीजर से निकाला, नीचे वाला बंद था ऊपर वाला था, मेरी 7-Up की ऊपर से मिल गई तो मेरी ठंडी है उसकी गर्म मग गंदी बगैर गैस के ये क्या है। तो अभी शवारमे उसको बोला है ला रहा है ना इधर से, फर्स्ट टाइम शवारमा मंगवाया, लास्ट टाइम बर्गर मंगवाया था जो कि बुरा ही था एक्सपीरियंस, अब शवारमे का पता नहीं कैसे। हाउ इज द मोरल घर वाले से अच्छा है वो जो
में से 7 हाई चॉइस का शॉर्मा वैसे अब तक सबसे ज़्यादा मज़े का मुझे लगा है। हाँ जी, तो फ्रेंड्स ये कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने शूट किए थे शॉपिंग के वक्त, तो जिसमें आपको सिर्फ वॉइस ओवर मिलेगा क्योंकि बाजार में तो सही से रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती, आवाज़ की बड़ा शोर होता है। और ये मैंने कुरान पाक लिया है, इस तरह का 7 पन सूट था। और कुरान पाक वो जो डिब्बे वाला आपको पिछले वाले क्लिप में नज़र आया है वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें तर्जमा नहीं था और मुझे तर्जमे वाला चाहिए था, तो ये फिर बगैर डिब्बे के मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है। और ये यहाँ पर कपड़ों वाली दुकान है जिसकी शॉपिंग मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, सारे कपड़े पिछली क्लिप्स में आपने देख लिया होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से जो है वो इस्त्री ली थी, जो कि बड़ी ज़रूरी चीज़ है, कपड़ों की ज़्यादातर शो ही इस्त्री से बनती है, अगर इस्त्री ना हो तो गया। और यहाँ पर स्टोव लिया था जो कि होता है चूल्हा जिदे थे तुम सारे भांडे भूडे यूज़ करने ने, मेन चीज़ है ये, तो ये चूल्हा लिया है, इस तरह का कुछ दिखेगा अंदर से। और यहाँ पर अतार रहमान की शॉपिंग हो रही है जो कि आपको डेफिनेटली शादी के व्लॉग्स में ही देखने को मिलेगी। ये जो ट्राई कर रहा था वो उसने नहीं लिया। और यहाँ पर जूतों की दुकान पे कुछ जूतियाँ वगैरह ली हैं जो कि मैं वो बाद में आपको दिखाऊंगी। और ये डेकोरेशन की दुकान से कुछ चीज़ें आप लोग ऑलरेडी उपटन के व्लॉग में देख चुके हैं और कुछ मेहंदी के व्लॉग में आप लोग देखेंगे क्योंकि मेहंदी हम लोग घर ही कर रहे हैं, डेकोरेशन भी खुद ही करेंगे इंशाल्लाह सारी। और यहाँ से कुछ पॉट्स मैंने लेने थे, 2 वो लिए। और ये कार्ड गए थे हम लोगों ने, डिज़ाइन पसंद किया है, बिल्कुल सादा खुशबू डिज़ाइन, वो जो बहुत ज़्यादा फैंसी होता है ठीक है वो देखने में अच्छा लगता है लेकिन 1-2 दिन के बाद वो भी रद्दी का ढेर ही होता है, तो इसलिए मैंने सोचा इस कार्ड पे जो है पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए। वैसे तो आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, सारे व्हाट्सएप ही करके काम खत्म करते हैं, लेकिन फिर भी जो ओल्ड स्कूल बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं कार्ड तो लाजमी है। तो फिर यहाँ से ये डिज़ाइन हमने पसंद किया था, ये थोड़ी सी रह गई थी बाहर सफ़ेदी फूदी करनी, तो वो भी हमारी कंप्लीट हो गई और नीचे का हाल आप देख सकते हैं। बस इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, मज़े मज़े के व्लॉग आने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब मस्त कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।